ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बदन करते, हाँ ऐसा करते हैं। सभी इनको दूसरों को नहीं सुनाते हो, सबको सुनाओ, सुनाते हो? हाँ हाँ, ये नंबर वन पढ़ा है, तभी तो लक्ष्मी बनने वाले हो। धन दान करो, है ना, अपने तक नहीं रखना, दान करो। हाँ दान करना चाहिए, एक को आज इधर करो, सवेरे से रात तक, रात को किसी को फोन करो और बताओ, अगर उन्होंने फोन किया बात करो, संसार के, बिजनेस के, परिवार की भी बात करो, फिर कहना आज देखो सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात बता दी, आपकी लड़की, लड़का, पति, बच्चे कोई बाहर है करते, मम्मी आप पूछेंगे क्या बना के खाना खाया, कैसे हो, हाँ सुना बताया, लेकिन आप बाबा ने देखो बहुत अच्छे, उनके कान में डालो। अगर वो बाबा को नहीं मानते हैं, बाबा नहीं बोलना, आज देखो बेटा बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, उसके अंदर बहुत अच्छी बात बताई थी, ऐसा करके भी दे सकते हो। हाँ नहीं आपका चल, अगर कोई नहीं चलते भी हो तो उनको आप कहेंगे ये नहीं चलते, उनको भी देने का तरीका चाहिए। है ना, हाँ हाँ, तभी तो राजा बनना है तो पंजाब बनाने पड़ेगा ना, सेवा करने पड़ेगा ना, ये जरूर चाहिए, ये लक्ष्य हो, ऐसे आप जैसे बने ऐसे औरों को भी बनाओ। अगर हम कितना भी सुनाओ, देखो आपने अनुभव सुनाया ना, तो और माताओं को लगेगा अरे ये माताजी भी गृहस्थ में रहती है, तो ये रोज मुरली 10 लोगों को सुनाती, पॉइंट मैं भी सुना सकती हूँ, तो आपके अनुभव से प्रेरणा आएंगी। अगर मैं बताऊँ, हाँ हो सकता है, इनको क्या पता है संसार की बात, संसार में कैसे होता है, ये आएगा। जैसे तब आपको कभी कभी आके बहन जी ने ऐसा करना चाहिए, कभी कभी माताओं को बताना चाहिए, आप अनुभव बताओ। माताएं अपने बताते ना आपकी भाषा से, इनको समझ, हम भी माता घर में है, ये माता जी भी घर में है, तो ये कैसे सुनाती है, ये क्या करती है, अनुभव सुनाना चाहिए।